अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। आज मैं नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ, तो आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैं 5-6 चम्मच ऑयल डालने लगी हूँ इसमें। अब इसमें लहसुन डालेंगे, लहसुन को हम सौते करेंगे। ये लहसुन को मैंने लहसुन डाल दिया, लहसुन सौते करने लगी। लहसुन सौते हो गया, इसमें मैं जीरा, 1/2 टीस्पून जीरा, साबुत जीरा ऐड करना है। और आप चिकन ऐड करने लगी, लहसुन सौते हो गए तो ये मैं चिकन इसमें ऐड करने लगी। चिकन को फ्राई करेंगे हम। जब ये फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें बाकी स्पाइस में ऐड करती हूँ। चिकन फ्राई हो रहा है, ये देखो इसका कलर चेंज हो गया। अब इसमें स्पाइस ऐड करेंगे। सबसे पहले ये मेरे पास है चिकन क्यूब है, तो आप कोई भी ले सकते हैं। ये भी में इस टेस्ट के हिसाब से इसका टेस्ट अच्छा होता है। और ये अदरक का पेस्ट, इनको हम फ्राई करेंगे थोड़ी देर। स्पाइस ऐड करेंगे, ये 2 चम्मच मेरे पास धनिया पाउडर है, 1 चम्मच जो है लाल मिर्च पाउडर है, और 1/2 टीस्पून जो है ये गरम मसाला पाउडर है। इसको हम पकाएंगे। ये 1 चम्मच नमक है इसमें ऐड करने लगी हूँ। और अब ये मैंने, ये 3 टमाटर है मैंने ग्राइंड कर लिए हुए हैं, तो इस तरह ग्राइंड करके आपने इसमें ऐड करने हैं। अब इसे पकाना है। अब हम इसमें वेजिटेबल ऐड करेंगे, ये प्याज है और ये शिमला मिर्च। मेरे पास तकरीबन 1 kg जो है वो चिकन था, तो इसमें मेरे पास शिमला मिर्चें 2, अगर रेड मिलती हैं आपको तो रेड कलर की भी डाल सकते हैं, उसमें भी बड़ा अच्छा कलर आ जाता है। ये इनको मैं थोड़ी देर पकाती हूँ, ढक्कन लगाती हूँ 5 मिनट। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, तो अब मैं इसमें रखती हूँ चारकोल। ये देखें, इस तरह मैं रखूँगी। फॉइल की कटोरी बना के, आप स्टील की कटोरी बना के भी रख सकते हैं। इसमें मैं ये चारकोल रखूँगी, ये इसके ऊपर चम्मच ऑयल डालूँगी। ये देखें, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब ये मैं इसमें से निकाल लेती हूँ चारकोल। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। बहुत मज़ेदार बनती है चिकन जलफ्रेजी, तो अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।